निफ्टी व्यू देखते हैं यार, ऐसे ऊपर आया है, क्लोज भी ऊपर है शॉर्ट एवरेज के। हमने डिसाइड किया था शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, तो मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा है। ये आर एस ए भी ऊपर है, वही मार्केट ये लेवल पे 10,380 सस्टेन होता है, मार्केट नया है बनाने वाला है। सो निफ्टी सपोर्ट लेवल 10,380 एंड नाउ इफ इट सस्टेन देन इट विल मेक न्यू हाई। So, मार्केट बुलिश है, बाइंग के लिए फेवर है, मंथली का आरएसए बता रहा है, कंप्लीटली बता रहा है कि मार्केट बाइंग के लिए फेवर है। मंथली का आरएसए प्रॉपरली बता रहा है कि मार्केट बाइंग के लिए फेवर है और ये नया हाई सस्टेन करने की ताकत रहता है। ये जो लेवल है 10,380, ये लेवल खाली आर एस ए ऊपर आना चाहिए, खाली वो आ जाएगा, सस्टेन करेगा, आर एस ए सस्टेन हो जाएगा, मार्केट नए हाई के तरफ जाने वाला है। नया है मतलब ये हाई सस्टेन करेगा। तो हम देखते हैं मार्केट अभी भी ओवरबॉट है लेकिन बुलिश है। निफ्टी का चार्ट वापस डेली के तरफ भी देखते हैं। हमें मालूम है निफ्टी जो प्राइस था शॉर्ट एवरेज का वो टच करके ऊपर जाने लगा है, अब ये नया हाई सस्टेन करना है तो नए हाई के पास जाएगा। मार्केट डेली के चार्ट के हिसाब से भी बुलिश है, मतलब कोरिलेशन चल रहा है मार्केट में, वो है कोरिलेशन चल रहा है ईयरली, मतलब ईयर एंड हो रहा है, ईयरली प्लस मंथली प्लस डेली, ये चार्ट्स के हिसाब से मार्केट चल रहा है। ईयर एंड मंथ एंड और एक मंथ एंड में जंप मारना, मंथ एंड के साथ में ये प्राइस बार E6 से प्राइस बार शॉर्ट एवरेज को दूर जाना जरूरी है, तो ये मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होने के चांसेस रहेगी। तो जनरली हम वो कंडीशन आ जाएगी तब ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर पाएंगे। अभी के कंडीशन के हिसाब से मार्केट बुलिश है, तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक बुलिश है वही पकड़ के रहने चाहिए, जो अपने पास ICICI बैंक है, जो स्टॉक नया है बनाने की ताकत रखता है वैसा कोई भी स्टॉक आप बाय करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वीकली में जो स्टॉक की आर एस ए ऊपर है ऐसा स्टॉक ही सिलेक्ट करो, मंथली में भी आर एस ए ऊपर है, मंथली ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, ऐसा स्टॉक ये किधर तो इधर आएगा, थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हैं लेकिन बाउंस मारेगा हमें, क्योंकि ये डेली का मिड एवरेज जो है वो आया नहीं है, इसलिए सब साइडवेज में चल रहा है, लेकिन छोटा सा मिड एवरेज आना चाहिए था, आता है तो बाउंस जल्दी मार देगा, मारने के चांसेस रहेंगे, लेकिन हमें अभी बाय करने के अलावा दूसरा कुछ ये नहीं है। 310 में बाय कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाता है तो डेली के चार्ट में 308 में बाय है, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रुकेगा नहीं, तो ये अभी थोड़ा बाय करके रखना चाहिए। ऐसे कोई स्टॉक रहेगा SPI है अपने, तो अपने पास तो लिस्ट तो है, जो लिस्ट है वो ही काम करो वो अच्छा रहेगा। हमने डिसाइड किया था अदानी पावर भी अच्छा जाएगा करके, जो संडे का क्लास तक भी अदानी पावर भी मूवमेंट दे रहा है, ऐसे कोई स्टॉक्स रहेंगे तो हम बाय कर सकते हैं। मैं लेकिन
ईयरली मंथली ये कोरिलेशन में आपको मार्केट में काम करना है। ये भी स्टॉक ऊपर जाएगा अपोलो टायर, ये बता रहा है अरविंद फार्मा ये लेवल पे बाय है। मंथली का चार्ट पोजीशन है, क्वार्टरली भी टच करके आया है, प्रॉपर एक्सिस बैंक तो अपने लिस्ट में था ही जो काफी ऊपर गया, क्या और भी ऊपर जा सकते हैं, हमें 590 का टारगेट रख सकते हैं। क्वार्टरली के हिसाब से 590 जाते हैं ना तो इमीडिएट नीचे आ जाएगा, क्योंकि क्वार्टरली का आरएस जो एमएसडी है वो नीचे की तरफ है, इसलिए जैसे ऊपर जाता है तो थोड़ा थोड़ा बेचना चालू कर लो। कौन से स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, तो मतलब बाइंग के लिए अच्छे स्टॉक्स है मेरे ख्याल से, मैंने लिस्ट भी दिया है आपको, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बाद में अदानी पावर, टॉरेंट पावर, टाटा पावर, इसमें से कोई मतलब और भी जो जो स्टॉक में क्या है, क्वार्टरली मंथली लगाओ और क्वार्टरली मंथली में जो जो स्टॉक्स ने बुलिश पकड़ा है, बैंक ऑफ इंडिया भी है, मतलब यहाँ से बुलिश है, क्वार्टरली में बुलिश लगा है और मंथली का E30 आ गया है, मिड एवरेज आ गया है, ऐसा स्टॉक को प्रिफर करो। दो मिनट बताता हूँ, ये भी है जो क्वार्टरली में बुलिश है, मंथली का मिड एवरेज आपके ऊपर जा रहा है, वैसे स्टॉक को आप प्रिफर करो अच्छा रहेगा, उसमें से वीकली भी बुल रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। और कौन सा है देखते हैं, ये देखो ये भी है नॉर्थ की एयरटेल, ये भी है कैनरा बैंक, अपने बाय में है कैनरा बैंक। क्या करना है, जो स्टॉक क्वार्टरली में बुल पकड़ा है, ये देखो क्वार्टरली में बुल पकड़ा है, बुलिश है क्वार्टरली में, और ये स्टॉक मंथली के मिड एवरेज पे आके बाउंस हो रहा है, वैसे स्टॉक को हम बाय करेंगे क्योंकि नया हाई बनाने की ताकत रखेगा वो स्टॉक, तो ये ऐसे स्टॉक को हम सिलेक्ट करेंगे। क्वार्टर ये देखो अभी क्वार्टरली में बुल नहीं है, यहाँ पे बुल नहीं है, ये देखेंगे तो बुल नहीं है, मतलब क्या मतलब ये ऐसे स्टॉक को मत सिलेक्ट करना है, ये मत करना है सबसे, जो अच्छे है वो कर लेना, वो सेफ रहेगा, ये भी मत करना क्योंकि ये स्टॉक में क्या हुआ कोलगेट में, ये जो आ रहे से नीचे तो थोड़ा हर्डल रहेगा ही ऊपर में, स्मूथली नहीं जाएगा। ये अच्छा है इंजीनियरिंग है, देखो तो दिया ना उसके बाद में, अभी ये 170 के आजूबाजू में अच्छा है, मतलब 170 का एवरेज से बाय होना चाहिए, थोड़ा इधर बाय किया 175 पे तो 170 में छोड़ना नहीं है, बाय करना है, होल्ड करना पड़ेगा। ये भी अच्छा है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, टच करके क्लोज दिया है, रिट्रेस हो रहा है, वीकली में बाय लगेगा तो और भी अच्छा रहेगा, ये बेस्ट बाय है, डेली में बाय है, चलो एससीसी भी ले सकते हैं। तो ये मेथड है, मेथड को फॉलो करो, वीकली में भी बाय है अच्छा है, एससीसी देखा था वीकली के चार्ट में भी, ये क्वार्टरली है, वीकली का चार्ट में लेता हूँ, देखो वीकली का चार्ट भी है, ये बुलिश में है,
डेली का चार्ट लेता हूँ, डेली का चार्ट में लगाता हूँ, तो डेली के चार्ट में भी ये बुलिश की तरफ है, तो ये बाय होना चाहिए। अब कौन सा है क्या देखते हैं, ऐसे ऐसे बैंक तो मैंने पहले ही बताया है, ये मेथड्स में आपको बाय करने हैं स्टॉक्स। इंडियन बैंक भी अच्छा है, अभी थोड़ा करेक्शन हो सकता है, काफी बढ़ गए हैं। जिंदाल स्टील को भी रखा है बाय में। के बैंक भी है अपना भाई में। एलएनटी भी भाई में है अपना, हिसाब से मेथड में आ रहा है वो हिसाब से बराबर है। एनसीसी अच्छा है, डिसाइड किया है, एनसीसी भी है। एनएमडीसी भी है भाई में, एनटीपीसी तो अपना लिस्ट में था ही। वो स्टॉक बाय करके रखो, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लगता नहीं मार्केट शॉर्ट टर्म का तो बिल्कुल नहीं है। आपके क्वेश्चंस आने दो, क्वेश्चन सर एचसीसी का टारगेट क्या होगा सर? एचसीसी का टारगेट अच्छा रहेगा, होल्ड करो, 50 के आजूबाजू में जाएगा। 50 हाँ बताओ सर, आई वांट टू आस्क अबाउट जेट एयरवेज। जेट एयरवेज ₹620 पे बाय कर लो। 620 ना। अच्छा सर, व्हाट अबाउट एलएनटी फाइनेंस, विल इट गो टू 190 186? एलएनटी फाइनेंस ये वाला, हाँ एलएनटी बनाना तो अब विल इट गो टू वीकली 6? वीकली 30 है ना, सी दिस इज द आरएसआई इज गोइंग डाउन लोअर्स, ओके हियर द आरएसआई लोअर्स करना, ओके तो बेटर यू वेट फॉर डब्ल्यू पैटर्न ओवर हियर वीकली चार्ट, ओके देन यू कैन थिंक फॉर गोइंग बाय। या 170 विल बी द बेस्ट बाय प्राइस अप्रोक्सीमेटली, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज सी लाइक जस्ट वन स्टॉक इज देयर, डीसीबी बैंक, इट वॉज द सेम बुलिश करेक्ट ना, एंड टुक मेनी डे वीक्स ओवर हियर can happen in such stock, this stock also. Okay. So what about JSW Energy? JSW Energy. This is in buy. Buy, no? Okay.
All right, sir. Thank you. ओके हेलो हाँ बोलो हेलो हाँ बोलो सर कोठारी प्रोडक्ट आई थिंक अराउंड 200 ला बाय करू शकतो वाटतं जस्ट कन्फर्म करायचं होतं थारी ना यू बाय इट नो वर आउट है ना ओके सर थैंक यू सर हाइकल 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 एच आई के एल एच आई के एल हाइकल होल्ड दिस होल्ड दिस स्टॉप बैंड होल्ड ओके अवेरी सीट इन बाय मनाली पेट्रो हेलो कौन है दा मनाली पेट्रो इज इन बाय हेलो हाँ सर एक वक्रांगी करके वक्रांगी वक्रांगी हाँ यस एग्जिट बुक प्रॉफिट पार्शियल प्रॉफिट कर लो ओके ओके स्टार विल हैव द टारगेट ऑफ 900 एरियस फाइनेंस इज कमिंग टुवर्ड्स इट विल डाउन वीक इट इज हायर लेवल ओवरबॉट Hello, sir. Hello. Sir, Spark, target. Keep for 480 or 500. Okay. 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 Thank sir, you, sir. Sir, Patel Engineer. One minute. Orbit Expo. पटेल इंजीनियरिंग यस सर पटेल इंजीनियरिंग 120 का लाइन कैन गो टू 120 ओके एंड सर आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल हाँ दिस इज आल्सो गुड Aditya it is showing proper buy actually. Aditya Birla fashion and retail. Fashion. Very good. This quarterly it has gone to this level. Going up. You can keep this target for 210. Okay, sir. Aurora Pharma is risky to buy at this level. Orbit X Pro. Orbit X Pro. Orbit Corporation. This one. Sir, Torrent Pharma. Torrent Pharma, one minute. Sun Pharma is good, but this is also okay if you want to hold it. You can't, but there is no proper, perfect buy. Torrent Pharma, na? Mm-hmm. Okay,
This will remain sideways, but bullish sideways. This is good. Okay. Okay, good night. Good night, sir. Yeah, good night. Good night, sir. Okay. Good night, sir. Good night, sir. Yeah, good night.